गाइज, वेलकम टू माई चैनल। तो गाइज, इस वीडियो में समर स्किन केयर जस्ट 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं, और इस प्रोडक्ट को यूज़ करके आप समर में अपनी स्किन को कैसे केयर कर सकते हैं, तो चलो इस वीडियो में गाइज देखते हैं। तो 3 प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है मेरा रोज़ वाटर। तो आप टोनर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाबर का गुलाबरी का रोज़ वाटर लिया, जिसे मैंने स्प्रे बोतल में डाल लिया। इस तरह से स्प्रे करने से फेस पे एक अलग सी फ्रेशनेस आती है। तो आप खुद देखना, इस तरह से आप अगर स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत ही एक फ्रेश लुक लगेगा। रोज़ वाटर के बेनिफिट्स क्या हैं? आपके नेचुरल ऑयल्स को बैलेंस रखता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, डार्क सर्कल जो हो जाते हैं, आइज पफिनेस होता है उसको भी ये रिड्यूस करता है, साइन ऑफ एजिंग को भी स्लो डाउन करता है, और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट रखता है बहुत सी प्रॉब्लम से। तो इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। तो पहला ये है। सेकंड, मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लिया है। यहाँ पे सेकंड मैंने अपना मॉइस्चराइज़र बायोटिक लिया। आप जो भी यूज़ करते हैं वो यूज़ कर लीजिए आपके स्किन के अकॉर्डिंग। नेक एरिया और हैंड पे लगाना ना भूलें, तो यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी होता है। और मॉइस्चराइजिंग आपको पता है हमारी ड्राइनेस को प्रिवेंट करता है, साइन ऑफ एजिंग को स्लो करता है, एक्ने से फाइट करता है, सन से प्रोटेक्शन करता है, और सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत ही सही रहता है। तो गाइज, जो लास्ट मेरे स्टेप्स हैं वो है यहाँ पर सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हम सोचते हैं जब हमें सन में जाना है तभी प्रोटेक्ट करता है, ऐसा नहीं है। सनस्क्रीन आपको हमेशा ही लगाना है। आप कुकिंग भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो सनस्क्रीन आपके अप्लाई होनी ही चाहिए। ये सन से प्रोटेक्ट तो करता ही है, हमारे क्या कहते हैं साइन ऑफ एजिंग को भी रिड्यूस करता है, रिस्क ऑफ स्किन कैंसर से भी रिड्यूस करता है, तो और काफ़ी हमारी स्किन को प्रोटेक्ट रखता है कई चीज़ों से। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। ये आप दिन में 2 बार स्टेप्स को कर सकते हैं और रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। और लास्ट में लिप्स को मॉइस्चराइज कर लीजिए, जो भी आप लिप बाम यूज़ करते हैं। आई थिंक समर के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये। 3 स्टेप करके आपका जो समर स्किन केयर है वो कंप्लीट हो जाता है, जो रिजल्ट है बहुत ही फ्लॉलेस आता है। तो डू नॉट अवॉइड ऑन अप्लाइंग नेक एंड हैंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।